अभी इस समय कोरोना वायरस के चलते हमारे आसपास के इलाकों में कुछ गरीब परिवार हैं जिनको कल्पतरु संस्था की तरफ से खाना टाइम से टाइम दिया जा रहा है और खाना काफ़ी स्वादिष्ट है। और मैं सबसे पहले धन्यवाद उनका करना चाहूँगा जो ये खाना तैयार कर रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस विपदा में हमारे लोगों का सहयोग किया जा रहा है और बहुत ही स्वादिष्ट खाना है और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं कल्पतरु संस्था के सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमें इस विविधता में हमारा साथ दे रहे हैं और हमें खाना दिया जा रहा है। और भी कई चीज़ें होती हैं, हमें फ़ोन करके पूछ लिया जाता है कल्पतरु संस्था के कार्यकर्ताओं की तरफ से कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बता देना टाइम से टाइम, खाना बढ़िया है कि नहीं है, खाना काफ़ी स्वादिष्ट है। और कल्पतरु संस्था के सभी कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करता हूँ इसी कार्य को इसी प्रगति से आगे बढ़ाए रहें, बढ़ाते चलें, क्योंकि अभी काफ़ी परिस्थितियां ख़राब हैं। जो रोज़मर्रा के मजदूर हैं, जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं थोड़ा सा कल्पतरु संस्था की तरफ से अपना थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा सूखा राशन की व्यवस्था अगर कर दी जाए तो बहुत अच्छा हो और मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। और जो ये खाना भेज रहे हैं दाल और रोटी, ये बहुत अच्छा है और मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं और भगवान करे आपको बहुत खुशियाँ मिलें। और तहे दिल से शुक्रिया अदा।